अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह करके मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर ही ली हैं फाइनली, शुक्र अल्लाह का। एक ये वीडियो रिकॉर्ड की है, ये ब्लैक चारकोल की, ऐसा लग रहा है जैसे टप टूटा हुआ, लेकिन टप नहीं टूटा, वो तो ऐसे लग रहा था मुझे। ये चारकोल एशियस वाली की है, ठीक है। और उसके बाद ये वाइट कॉन्क्रीट वाली, ये तो बोर वीडियो रिकॉर्ड हुई है, पता नहीं आपको कैसी लगे। इतना हार्ड टेक्सचर, इतना हार्ड टेक्सचर बारिश की वजह से वो भीग भीग के वो फुल हार्ड हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वीडियो ये रिकॉर्ड की है, ये बकेट वाली वीडियो है, ठीक है। बकेट में रिकॉर्ड की थी, टप को नीचे रख लूँ ताकि ना इनको हवा लगे। ये मैं ड्रट्स रखी थी इसमें, आपको थोड़ी सी क्रम्बल करके दिखाऊँ। ये तो ना ड्राई हो रहा है अभी, ये मरियम रात को कर रही थी, मैं अभी वीडियोस रिकॉर्ड करके हटी हूँ। ये न्यू है, ये न्यू चंक है जो कि ड्राई होने के बाद कितना अच्छा सॉफ्ट हुआ। मैंने लास्ट टाइम दिखाया भी था कि मैंने वो जो है ना ग्रे कॉन्क्रीट के अंदर से जितना लिक्विड था ना वो सारा निकाल के उसमें सीमेंट ऐड करके रख दिया था, और उसको ड्राई होने के लिए तकरीबन कोई बहुत ही टाइम लगा, बहुत ही टाइम लग गया इतना कोई टाइम, और फिर उसके बाद जो है ना वो ड्राई हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाए जी, ये भी टेक्सचर जो है ना प्योर मड वाला, जो जो ड्राई होता है मैं उसको क्रम्बल कर जाती हूँ क्योंकि बाद में इसको वैसे भी भीगना ही होता है। ये हार्ड है अभी क्योंकि ये अभी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ। ये हो गया, लेकिन इसके दो चंक्स ड्राई होने वाले हैं और दो जो है नहीं, ये भी अच्छा है। सो जी, ये थी आज की अपडेट्स। आज देखते हैं अब क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। तो जी, करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। थोड़ी सी डैम क्रम्बलिंग ग्रीटी टेक्सचर की, क्योंकि भाई इसको ड्राई पता नहीं इसने कब होना है, और आई डोंट नो कि कब ड्राई होगा और कब हम इसकी क्रम्बलिंग करेंगे। अब ये दोबारा से ब्रिक्स उठा कर फिर इसमें से टेक्सचर निकालना पड़ेगा और देन क्रम्बलिंग करनी पड़ेगी। ये टेक्सचर थोड़ा सा ड्राई है जिसके ऊपर मक्खी बैठ गई थी, अब इसको क्रम्बल करके देखते हैं। शुक्र, ठीक है जी। इधर थोड़ी सी ये डैम चंक्स की ना सारी क्रम्बलिंग करते हैं, मेरे डैम चंक्स लवर्स के लिए ये सारी के सारी मैं डैम टेक्सचर की क्रम्बलिंग करूँगी। क्योंकि ये ना वैसे भी ना भीग भीग के इसका आधा हशर नशर हो गया। पता नहीं किधर किधर टेक्सचर मैंने रख दिए थे, मुझे खुद नहीं पता चलता। उसके नीचे से रेड निकल रहा है, ब्राउन डर्ट निकल रही है, कहीं से कुछ निकल रहा है तो कहीं से कुछ निकल रहा है। हालांकि इसका आधा टेक्सचर मैंने बोरी में बंद करके रखा हुआ है। सारा नीचे कर दूं, ठीक है।
इसको भी ना अभी मैं फिलहाल बोरी में डाल कर रख दूँगी, जैसे देखूँगी ना मौसम ठीक हो गया देन मैं इसको निकाल लूँगी ये टेक्सचर को, ठीक है। इसका जितना भी हिस्सा है ना ये वाला, क्योंकि मुझे पता ना अभी बारिशें फिर से हो जानी है, जैसे कल एकदम से धूप निकली और बाद में बादल आ गए। ये देखें अब जो है ना बच्चे उठ गए तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, और साथ में गर्मी भी तेज़ होती है, गर्मी मतलब ज़्यादा होती जा रही है। लो जी हो गया ये भी काम, हाथ धो लेते हैं। अच्छा मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि भई हैंड केयर रूटीन और होम टूर कराएं, तो होम टूर जो है ना वो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कराऊंगी, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें। और हैंड केयर की जो है ना वो भी मैं आपको लाजमी उसका भी शेयर करूंगी, क्योंकि वैसे तो मैं हैंड केयर करती नहीं हूँ, ठीक है, और लेकिन जो है ना मैं आप लोगों के लाजमी साथ शेयर करूँगी, जब मैं कभी करती हूँ तो फिर कैसे करती हूँ, ठीक है। नॉर्मली रूटीन में नहीं मैं इतनी हैंड केयर केयर करती कि भई ये कर तो वो कर, नहीं मेरे तो हाथ इस तरह के हो गए अजीब से, तो लेकिन नॉर्मली रूटीन में तो मैं कुछ नहीं करती, हाथ साबुन से धो के तो बस अच्छे से साफ़ कर लिए। लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं जाना हो तो मैं क्या करती हूँ, देन आई विल शेयर विद यू, मैं लास्टली आपके साथ जो है ना वो टिप्स और जो रेमेडीज़ वगैरह जो भी है ना वो शेयर कर दूँगी। सो आप लोग जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना परेशान नहीं हो, ठीक है। जल्द से जल्द मैं ये चीज़ की भी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद जो है ना वो ज़रूरत है अब ये वैक्सिंग वगैरह और हाथ से हाथ को अच्छे से साफ़ करने की। नेल्स रात को मैंने कटिंग तो की है, लेकिन मैंने कहा था बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करने, क्योंकि फिर बाद में ना वो नेल्स पेन करते हैं, क्योंकि टेक्सचर वो जो ग्रीटी टेक्सचर होता है ना वो आपके नेल्स को ना हार्म करता है, तो वो जब इस तरह से दस्ते हैं ना जो स्किन होती है उसमें दस्ते तो बड़ा तंग करते हैं, थोड़े थोड़े नेल्स हों तो बचत हो जाती है। लेकिन अभी इसमें सैंड वगैरह घुसी हुई है, यहाँ से मैंने सारे कट कर दिए थे ये वाले हाथ के, तो इसी तरह मैं दूसरे भी कट कर लूँगी, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जो है ना मैं हैंड केयर की जो है ना आपके साथ, वैसे तो हाथ सही लग रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी कि क्या है। मैंने तो अभी सही तरह साबुन से कुछ भी नहीं, अभी चारकोल की वीडियो रिकॉर्ड की है इन्हीं हाथों से, और पहले तो दूसरी वीडियो रिकॉर्ड की फिर ये चारकोल की लास्ट पे की है, लेकिन कोई साबुन से कुछ नहीं हाथ धोए लेकिन फिर भी हाथ साफ़ है मेरे। किसी ने कहा था आपको चारकोल इफेक्ट नहीं करता, तो करता है, यह नहीं है कि नहीं करता। आप लोग जो है स्किन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्किन का कलर कितना ख़राब हो गया, यहाँ से और यहाँ से देखें, ये और ये हिस्सा देखें तो हो जाता है। सो इसका भी जो है ना जुगाड़ है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह ये भी टिप जो है आपके साथ शेयर करूँगी। सो जी करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्पेशली थैंक्स करूँगी अली खान, यूज़र आईडी नेम है उनका, रियल नेम मुझे नहीं पता, वो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, और मेरे जो हेटर्स हैं या जो मुझे बैड कमेंट्स करते हैं या फिर जो के एक तरफ से मुझे अच्छा भी बोल रहे हैं और एक तरफ से मुझे बुरा भी बोल रहे हैं, तो उनको जो है ना वो बड़ा अच्छा जवाब देती हैं और मेरे से पहले दे देती हैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को कोई भी आंस करने की। तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी जान, मैंने उस टाइम कमेंट नहीं रीड किए थे, जब आपने बोला तो मैंने कमेंट्स रीड किए और मुझे पता चला कि कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मैं आपको कितना प्यार देती हूँ, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है, और मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कितना ज़्यादा प्यार देते हैं, मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी से कोई बहस या किसी से कोई जो है ना वो आर्ग्यूमेंट नहीं करना। सो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये टॉपिक जो है ना बार बार छिड़ते रहते हैं लेकिन मैंने अब इसको बिल्कुल ही वाइंड अप कर दिया। अब कभी भी मैं इस चीज़ पे या कभी भी किसी भी को कमेंट पे ऐसे कमेंट पे जो है ना मैं कभी भी कोई आंस नहीं करूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि बड़ा ही कोई ऐसा कमेंट हुआ जो कि गुजारे लायक नहीं है कि भाई जवाब देना लाजमी है, तो देन आई विल आंस, मैं आंस करूँगी, लेकिन अब भी जो है ना कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाबा टाटा, अल्लाह हाफिज़। ये व्लॉग खुशियाँ फैलाता है और खुशियाँ ही फैलाएगा, कभी भी जो है ना वो नफ़रत या कोई भी बुरी बात आपको इस व्लॉग में सुनने को नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।